चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो वाली थोड़ी छोटी होगी, लेकिन कल की वीडियो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी। मेरी थोड़ा उठने में लेट हो गया था, लेकिन कल की वीडियो आपकी बहुत बड़ी होगी, है ना? तो आपका ये आज का कल कंपनसेट हो जाएगा। मेरे को चार मेथड कराने थे आपके, इसमें से चार मेथड तो हो चुके हैं। एक फिर सोचा था मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस को कराने से पहले ना मैं सेकंड एक्सरसाइज पर जाना चाहूँगा। मिसलेनियस इसमें से रह गए हैं, उन मिसलेनियस को छोड़ दो, उन मिसलेनियस को छोड़ दो, ठीक है। वो मैं कराना चाहूँगा बाद, सर बाद में क्यों? बाद में आपको अच्छे समझ में आएंगे इसलिए, बाद में आपको अच्छे से समझ में आएंगे इसलिए, ठीक है। आई होप आपने सारा होमवर्क बाकी कर लिया है, जो रह गया अब हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिकली मेरा रीज़न क्या है बाद में कराने का, मैं कराना चाहता हूँ लाइव क्लास में, क्योंकि इनके कोई फॉर्मूले नहीं है, इनमें लॉजिक है, तो लॉजिक मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं लाइव क्लास में, ठीक है। तो हम आते हैं सेकंड चैप्टर पर, जिसमें पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। आप टॉपिक को फाइव लिख लेना, इसको आप इसको टॉपिक फाइव लिख लेना है आप, ठीक है। और आप चाहो तो टॉपिक फाइव के कैसे थे ना, ये आपकी क्या है सेवन बी है ना, तो सेवन बी लिखकर आप टॉपिक वन लिख लेना। टॉपिक का नाम डाल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। कब यूज किया जाता है सर ये बताओ, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कब यूज किया जाता है वेन डायग्राम और होता क्या है, एक एग्जांपल से कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ 11th वाला, सॉरी एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ 11th वाला, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 11th एग्जाम्पल में, इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें 30% बच्चे फेल हो गए इंग्लिश में, इसमें 30% बच्चे फेल हो गए इंग्लिश में, 35 बच्चे फेल हो गए मैथ्स में, 35 बच्चे हो गए मैथ्स में, और 27% हो गए दोनों में, 27% हो गए दोनों में। सर थोड़ा क्वेश्चन समझ आया? आप एक तो कह रहे हो फिर 35% फेल हो गए, फिर आप कह रहे 30% फेल हो गए, फिर आप कह रहे 27% हो गए, क्या फेल तो फेल होता है। अगर 30% बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए हैं तो सारे के सारे फेल बच्चे फेल नहीं हुए, मतलब टोटल तो 30%, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में 30 बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, तो क्या हम उसको ओवरऑल फेल मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। यही बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है, अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं माना जाता, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पर है, यहाँ पर लॉजिक यही है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको सारे सब्जेक्टों में फेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है सर आपको, अब देखो यहाँ पे कैसे वेन डायग्राम कब बनेगा, वेन डायग्राम कब बनेगा, जब ऐसे रिलेशन बनेगा, रिलेशन कैसे क्या सर, एक सब्जेक्ट में इतने लोग फेल हुए, फिर दूसरे सब्जेक्ट में इतने लोग फेल हुए, यानी ये सब्जेक्ट ए हो गया, ये सब्जेक्ट बी हो गया, ठीक है, इसमें इतने लोग, इसमें इतने लोग, फिर आपको ये बता दें कि ए और बी में कितने हुए, इन बोथ, इन बोथ, बोथ मतलब कि ए प्लस बी में कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए, रिकॉर्डिंग हो रही है, ए और बी में कितने लोग हो गए। तो ये एक वेन डायग्राम कब बनेगा, जब आपको ए और बी इन दोनों की अलग से वैल्यू भी दी हो, इन दोनों की वैल्यू अलग से भी दी हो, और ए प्लस बी की वैल्यू दी हो, ए प्लस बी की वैल्यू दी हो,
अगर आपको तीन चीजों की वैल्यू दी हुई है, यानी ए और बी के अलग से और उनके कॉम्बिनेशन की वैल्यू दी हुई है, ए और बी के अलग से और ए प्लस बी की यानी उनके कॉम्बिनेशन के अलग से दी हो, तो ऐसे केस में वेन डायग्राम बनता है। ऐसे केस में वेन डायग्राम बनता है। तो वेन डायग्राम कैसे बनता है? वेन डायग्राम में क्या करते हैं, दो सर्कल बनाते हैं। सर्कल ए, सपोज कर सर इस सर्कल को नाम देते हैं हम, कितने सब्जेक्ट थे, मैथ और इंग्लिश थे ना, ये हो गया इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का सब्जेक्ट। और एक इस से ना एक दूसरा सर्कल बनाओ और थोड़ी सी जगह बीच में से ऐसे होके जानी चाहिए, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का नाम क्या था, मैथ्स। इस सब्जेक्ट का नाम क्या था, मैथ्स। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, वो स्टेप होता है ये फिल करो कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए हैं। दोनों सब्जेक्ट में सर, दोनों सब्जेक्ट में जो लोग फेल हुए हैं वो है 27 केवल। दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना हुआ, 25%। देखो सबसे ये लिखा था इंग्लिश में 30 और मैथ्स में 35। हाँ तो अब देखो इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं, इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं, 30%। और मैथ्स में टोटल कितने होते हैं, 35, ठीक है। पर ठीक से था मुझे, अभी मैं यहाँ के उत्तर सॉलिड सर्कल की, ठीक है, मैं सॉलिड सर्कल करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में टोटल हुए कितने लोग थे फिर, 30। 30 में से मैंने 27 ऑलरेडी लिख दिया, नहीं लिख दिया है, देखो 27 इस वाले गोले के अंदर आ रहा नहीं आ रहा, इस वाले गोले के अंदर आ रहा है ना, ये 27 तो हम ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो रिमेनिंग और लिखूंगा मैं अपने, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग में उसमें क्या लिखूँ, 3%। जब मैं यहाँ पर रिमेनिंग 3% लिखूंगा तो मेरा जाकर 3 प्लस 27 30% होगा। तो मैंने यहाँ पर रिमेनिंग लिख दिया 33%, 3%। सर यहाँ पे 35% फेल हुए, तो 35% में देखो तो कि ये इस गोल सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, आ रहा है सर, तो 27 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग लिखना पड़ेगा। रिमेनिंग के लिखना पड़ेगा 8%। हाँ सर अभी चार्ट कंप्लीट हो गया, अभी चार्ट कंप्लीट हो गया। सर इस चार्ट का मतलब क्या है, चार्ट का मतलब क्या है, इस चार्ट का मतलब कैसे कैसे पड़ जाएगा सर? अगर इस कॉमन वाले एरिया को हटा दो, इस कॉमन एरिया को हटा दो, इस कॉमन एरिया को अगर हटा दो, इस कॉमन एरिया को अगर आप हटा दो, तो अब ये जो आपके पास एरिया बचा है, ठीक है। तो अब ये सर्कल क्या बताता है, सर्कल का इंटरप्रिटेशन समझो। ये जो बताता है, ये बताते हैं ओनली, ये बताते हैं ओनली। सर ये जो येलो वाला पार्ट है ना, वो ग्रीन ब्लू वाला पार्ट है, बताते हैं ओनली। सर इंग्लिश में ओनली कितने लोग फेल हुए हैं, सर इंग्लिश में सर केवल एक्चुअली ओनली इंग्लिश में फेल हुए, ओनली इंग्लिश में, और किसी में फेल नहीं हुए, केवल इंग्लिश में हुए, केवल किसी में फेल हुए हैं, 30%, केवल 3%, केवल 3%, ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश। ये वाला भी सर्कल क्या होता है, ओनली ओनली इन मैथ्स, ओनली इन मैथ्स। ठीक है। और फिर 27 वाला जो है, ये सर बीच वाला, सर बीच वाला होता था बोथ, ये होता था इन बोथ, ये बोथ इन बोथ इन बोथ, किसी दोनों में कितने फेल हुए हैं। सर थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब सर अगर जो आप कह रहे हो अकेला इंग्लिश में फेल है, सर ये भी तो 27% लोग भी तो फेल हैं, थोड़ा 30% तो लोग फेल हैं, आप कह सकते हो कि 3% लोग इंग्लिश में फेल है। नहीं, मेरे कहने का मतलब सपोज करो
क्लास में सब अच्छे हैं, क्लास में सब अच्छे हैं, तो 100 में से टोटल लोग कितने फेल हैं, से ओवरऑल ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर कितने लोग फेल हैं, 100। ओवरऑल सॉरी ओवरऑल टोटल क्लास में 100 बच्चे हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट में यानी सारे सब्जेक्ट में मिलाकर यानी पूरी क्लास में जो पास नहीं हो पाएंगे, जो कम्प्लीटली फेल हैं, कम्प्लीटली फेल तो 27 है, कम्प्लीटली फेल तो 27% है कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली फेल है, ये कम्प्लीटली फेल है, ये कम्प्लीटली क्या है, फेल है, ये कम्प्लीटली फेल है, ये नेक्स्ट क्लास में जा ही नहीं पाएंगे, इनको दोबारा से नेक्स्ट इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर आपकी क्लास में 3 बच्चे ऐसे थे, आपकी क्लास में 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया, बस इंग्लिश में नहीं कर पाए, जो इंग्लिश में नहीं कर पाए यानी वो केवल ओनली इंग्लिश में ही फेल हुए, वो केवल सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, ये लोग सारे सब्जेक्टों में फेल होते हैं, सारे सब्जेक्टों में बीच वाले, ठीक है। लेकिन जो वो वाले थे साइड वाले वो कल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए, केवल इंग्लिश में, तो अगर सर एक सब्जेक्ट में फेल होने के हिसाब उनको पूरी क्लास में दोबारा से पढ़ाओगे, नहीं नहीं ऐसे यहाँ पे क्या है केवल 8 लोग ऐसे हैं जो केवल मैथ से फेल हुए, तो उसको ओनली पढ़ा जाता है, उसको क्या पढ़ा जाता है ओनली, है ना। तो लिख लो जरा आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 लिख लेना यहाँ पे, एग्जाम्पल 11 से आपका ये, हाँ एग्जाम्पल 11 में वेन डायग्राम का इंटरप्रिटेशन लिख लो यहाँ पे, ये वीडियो पॉज करो और ड्रॉ करो और ये लिखो, ठीक है। हो सके तो उन जगहों पर कलर कर लेना जैसे मैंने कलर किया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ टोटल फेल, तो टोटल लोग कितने फेल हुए हैं सर, ये टोटल फेल क्या पूछ रहा है, टोटल फेल मतलब क्या सर, टोटल कितने लोग बच्चे पास, टोटल कितने लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएंगे, नहीं टोटल मतलब क्या, ठीक है। कुछ लोग दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कुछ लोग एक इंग्लिश में फेल हुए हैं, कुछ लोग आपका मैथ में फेल हुए हैं, तीनों में कितने लोग फेल हुए हैं, तीनों में कितने लोग फेल हुए हैं, तो तीनों में कितने लोग फेल हुए हैं कैसे पता लगाओगे सर, 3 लोग इंग्लिश में, 27 लोग दोनों में, 8 लोग अलग से मैथ्स में, तो कितने हो गए, 38 हो गए, 38 हो गए, तीनों को मिलाओगे तो कितना 38%, तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर 38, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 38%, ईजी था टोटल वाला, तो सर पहले निकालो जो ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं ये आ गए, ओनली मैथ्स में फेल हुए हूँ ये आ गए, तो दोनों फेल हुए हूँ ये आ गए, तो टोटल इन तीनों का टोटल कर दिया, ठीक है। अब ऊपर टोटल कितने लोग पास हुए फिर ये बता दो, अरे सर 38% फेल हो गए, टोटल 38% फेल हो गए, पूरे क्लास में थे कितने लोग 100, अगर 100 में 38 फेल हो गए तो बचे कितने 62 ना, 100 में से 8 है, ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग, सर टोटल थे कितने 100, 100 में 38 फेल हो गए तो बचे कितने 62%। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 248 पास इन बोर्ड, अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया, वो कह रहा है टोटल नंबर था पूरी क्लास में है कितने बच्चे, हमें नहीं पता ज्यादा खराब मत करो हमारे साथ, अब हमें ये था पूरी क्लास में थे कितने बच्चे, फालतू के क्वेश्चनों का आंसर मत दो, मैं मेन क्वेश्चन जो हमारा ये है वो ये है कि ये बताओ पूरी क्लास में थे कितने बच्चे, अगर सर अगर क्योंकि एक वैल्यू तो इनको देनी पड़ेगी ना, अभी तो यानी कि सारी वैल्यू तो देनी है उन्होंने और हमसे नंबर पूछे, एक नंबर तो उन्हें देना पड़ेगा, वरना परसेंटेज की सारी वैल्यू दे देंगे तो हम नंबर सही निकाल पाएंगे, एक नंबर वाली वैल्यू तो उन्हें देनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक नंबर वाली वैल्यू दे दी, वो कह रहे हैं नंबर बताओ अगर 248 लोग पास हुए हैं दोनों में, पास हुए हैं दोनों में, तो सर इसी लाइन का ना इक्वेशन है, इसी लाइन का क्या होना इक्वेशन, इफ 248 पास इन बोथ, सर दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले लोग कितने हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले लोग कितने हैं 27%, 27%, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा 27% ऑफ, सर 27% का टोटल में ऐसे ना 27% ऑफ टोटल, 20% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, ठीक है सर, उनकी वैल्यू क्या आपको दे दी है, इन्होंने दे दी 248, उन्होंने आपको दे दी 248, परसेंटेज टर्म्स में 227 है और नंबर्स के टर्म्स में 248 है, आप बता सर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, तो सर कैंडिडेट्स कितने हैं, तो सर इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो सर ये कैसे हो जाएगा 27 पर सेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 248,
देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे आप तो आपका आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके बताओ, 27 7 6 28, 2 6 48 कुछ 12 में है, 79 72 256 4 7 28 256 4 12 24 14 28, इसका आंसर क्या डेसिमल में आएगा क्या इसका आंसर? आप सॉल्व करो, मैं तो ओरली कर रहा हूँ, खैर आप तो लिख कर सॉल्व करो, सॉल्व करते करते सॉल्व करो। नाइन वन एट समथिंग आ रहा है इनका, कुछ अजीब ही आ रहा है, क्या पूछा ये? ओहो सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, ये हमसे क्या पूछा है? पास्ड, और हमने जो ये परसेंटेज दिया, ये परसेंटेज किसका था? फेल का। हमने किसका लिया? परसेंटेज किसका लिया? फेल का। तो हमें किसका लेना है? पास परसेंटेज लेना ना, पास परसेंटेज कैसे निकलेगा आपका? तो पास परसेंटेज हमने निकाला था, पास लोगों का परसेंटेज 62, तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। छः छः 24 सिर्फ 4 टाइम्स चला गई, 400 आंसर आ जाएगा इसका। इन टोटल जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो 400 स्टूडेंट्स हैं, और 400 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसकी वीडियो ना 4 बार देखना है, मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो 4 बार देखना तब आपको समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि वेन डायग्राम आपको एक ही बार मैंने कराया है आज तक सेट्स में केवल, फिर उसके बाद हमने किए भी नहीं, सेट्स वाले तो आपको याद ही नहीं होंगे। इसका जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो पता है क्या? डिपेंडेंस वाला, डिपेंडेंस वाला, बट वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा बाद में कराऊंगा, डिपेंडेंस वाला टॉपिक है ये मेरा, इंपॉर्टेंट है ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही वाला और वेन डायग्राम वाला। चलिए क्वेश्चन कराता हूँ मैं, इस तरह के क्वेश्चन क्या है, मुझे मिसलिनियस कैटेगरी के हैं, मीनिंग ऑफ परसेंटेज चैप्टर के आपने आई थिंक कर लिया होगा ये तो, फिर अच्छा ये तो कर लिया होगा आपने, छोड़ो फिर भी एक बता दूँ, आपने पता नहीं कैसे क्या होगा, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, वो कह रहा है एक नंबर है उसको 18% डिक्रीज कर दिया, और फिर वो क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया, तो फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, तो सपोज करो सर एक नंबर था 100, सपोज करो एक नंबर था 100, ठीक है ठीक है, अब वो था, उसकी वैल्यू भी क्या थी? 100% ही थी, उसकी वैल्यू भी क्या थी? 100% ही थी, उसमें से हमने 20% 18% माइनस कर दिया, उसमें से हमने 18% माइनस कर दिया, ठीक है 18% माइनस कर दिया सर, वो जितनी की वैल्यू थी उसमें से हमने 18% माइनस कर दिया। अब उसकी जो वैल्यू आती है ना, अब उसकी जो वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू वो आ रही है, क्या रही है? 410 410 410, ठीक है, और टोटल नंबर को 100 की जगह एक्स मानना, सर एक नंबर है एक्स, ठीक है, पहले तो सर वो 100% था, ये 100% में से सर हमने 18% वैल्यू माइनस कर दी ना, तो उसकी वैल्यू 410 रह गई, सर अगर हम उसमें से 18% माइनस नहीं करें तो एक्स की वैल्यू क्या रहती? सर एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी एक्स ही रहती, बट क्योंकि हमने उसमें से 18% माइनस कर दिया तो सर यहाँ से वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, और कम होकर 410 रह गई। तो सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? आपने पता नहीं कैसे किया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या, 100 माइनस 18 करो, क्या आ जाएगा 82%, आप क्वेश्चन होंगे आपका 82% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 410 सॉरी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के लिए आप इसको सॉल्व कर लोगे आई जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 5 40 2 5 10 8 5 जा, यानी 500 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
बी वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बी वाले क्वेश्चन चैप्टर में केवल आपके डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन हैं, केवल डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन हैं। और आप आई थिंक मैसेज, अच्छा एक होमवर्क लिखो आप अपना, थ्री, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वाला, ये भी ट्राई करके देखना, फोर्थ वाला नहीं है कोई दिक्कत नहीं, और ट्राई करना, ये आपका है फोर्थ वाला, ये वेन डायग्राम वाला है, ठीक है ठीक है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन इनको ट्राई करना जरा होमवर्क में। ठीक है आपको टाइप सी का थर्ड वाला क्वेश्चन आया है, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा अलग से, अलग से है ना। इसमें इम्पोर्टेंट जो लाइन ये है कि वो बाद में जो परसेंटेज दे रहा है ना, बाद में परसेंटेज दे रहा है वो, ये वो जो बाद में परसेंटेज दे रहा है ना, ये जो बाद में परसेंटेज दे रहा है, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज है रिमाइंडर का। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ईजी है, बस लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, लैंग्वेज के हिसाब से प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इतना करना वेन डायग्राम वाला, आज की वीडियो थोड़ी छोटी रही है लेकिन कल की वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, तो आपका कंपनसेट हो जाएगा। और होमवर्क करते रहना, याद करते रहना, टाइम वेस्ट करो आप, अपनी लर्निंग करते रहो, रिवाइज करते रहो।